हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। पिछली वीडियोस में ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज का विचार, कुछ इस कदर चलो कि लोग तुम्हारे निशानों पर चलना शुरू कर दें। कैपेसिटर का कनेक्शन। कैपेसिटर को सर्किट में दो तरह से लगाया जा सकता है, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। फर्स्ट सीरीज कनेक्शन, जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा जाता है तो कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल को उसके आगे वाले पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, और बैटरी का पॉजिटिव को कैपेसिटर के पॉजिटिव से और कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा जाता है। इस प्रकार के कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन कहते हैं, और सीरीज कनेक्शन में जुड़े हुए सभी कलेक्टर का चार्ज एक समान होता है, परंतु इनकी वोल्टेज अलग अलग होती है। ऊपर आप कनेक्शन देख सकते हैं, जैसा कि आपने देखा कैपेसिटर C1, C2, C3 क्रम में लगाए गए हैं, और इन तीनों कैपेसिटरों पर दी गई वोल्टेज V1, V2, V3 होगी, और इन क्रम में जुड़े कैपेसिटरों का चार्ज एक समान होगा। जब कैपेसिटर सीरीज में लगे होंगे तब इनका कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला ऊपर दिया गया है, C=Q/V या V=Q/C। V=V1+V2+V3, Q/C=Q/C1 +Q/C2+Q/V, A=C=1/C1+1/C2+1/C3। सेकेंड पैरेलल कनेक्शन, जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर के टर्मिनलों को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो सभी नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से और सभी पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो यह समानांतर जुड़ जाते हैं, जिसे पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं, जब कैपेसिटर समानांतर जुड़े होते हैं तो इनका कैपेसिटेंस आपस में जुड़ जाता है, जिसका फॉर्मूला आपको ऊपर दिखाया गया है, C=C1+C2+C3+...CN। इन दोनों फॉर्मूला से आप किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस माप सकते हैं। अगली वीडियो में हम हाउ टू चेक कैपेसिटर को कवर करेंगे। कृपया इस वीडियो को देखकर अपना ज्ञान सुधारें। प्लीज इम्प्रूव योर नॉलेज बाय वॉचिंग दिस वीडियो। आप और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक करें और अपने मित्रों सगे संबंधियों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।